हाय फ्रेंड, मोस्ट वेलकम मेरा डीएस ट्रेडिंग चैनल में। नाउ भी ना मैं एवरी टाइम पे हर बार कुछ ना कुछ एक नए शेयर से ना ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूँ। कहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ शॉर्ट टर्म शेयर्स के लिए ना हरदम आपको लिए मिलता रहे, ऐसे मैं शेयर्स आपको ढूंढ के लाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर ना प्लीज ना सब्सक्राइब ना कर दीजिए आप इस चैनल को। एंड नाउ अभी हम लोग है ना फटाफट आ जाते हैं अपने यहाँ पर इस शेयर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आज मैं ऐसा कौन सा शेयर सबके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिश्रा धातु करके जो शेयर्स है। आप है ना यहाँ पर अभी हम लोग है ना यहाँ पर देखेंगे कि कोई हमें कोई ऐसी ऐसी कोई ग्रोथ मिल रही है जहां पर हमें लगे कि हाँ कि यहाँ पर हमारा कुछ अच्छा खासा कुछ है ना ग्रोथ है कि नहीं। देखा जाए तो मार्केट ना एक साल के अंदर है ना काफी अच्छा सा मतलब है ना ग्रो मूवमेंट में दिख ही रहा है। ओके, तो अभी ना एक साल में अगर देखा जाए तो कंपनी ने 97% का रिकॉर्ड मतलब बना दिया है। 97% का अगर आप देख पा रहे हो तो इतना रिटर्न्स बोले तो कितना यार बोले तो एक साल के अंदर ना मेरा पैसा डबल ही पकड़ लो 355 रुपीज के हिसाब से। मतलब कंपनी काफी अच्छी ईयर टिल डेट के हिसाब से भी देखोगे तभी भी 59%, और अगर ना 6 महीने का रिकॉर्ड देखो तभी भी 164%। आप समझ रहे हो 164 कम से कम मेरा पैसा 1.5 गुना हो गया, और 1 महीने के अंदर भी मुझे 13% मतलब मेरा ऐसा ही मतलब बैठ के यहाँ पर आराम से गेन हो चुका है। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि यार मेरे लिए तो ओके ही है, चलो यार 1 महीने में 13% तो यार उतना तो अगर पूरे साल का भी मिले तभी भी बहुत अच्छा है करके ना। अभी यहाँ पर अभी एक ऐसी एक पॉइंट है जो आपके लिए मैं ना सजेस्ट करने वाला हूँ कि अभी मैंने यहाँ पर ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाया है, कहीं कोई हमें शॉर्ट टर्म शेयर्स के लिए कुछ यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं ना। अभी है ना मैं अभी ना आपके लिए जो बात करने वाला हूँ वो अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हमें कहाँ एकदम अच्छा सा, अगर आप ना देखा जाओगे तो मार्केट कैप भी पीला लगा देखा जाए तो ना अच्छा मार्केट कैप भी पीला देखिए कम से कम इतना 6.7। तो फिर अभी हम लोग क्या करना है कि अभी हम शेयर्स में आ जाते हैं और शेयर्स में हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमें शेयर्स में क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, फिलहाल मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, तो भी इस सिचुएशन को हम लोग है ना ये देखो मार्केट क्या हुआ, पहले थोड़ा सा ऊपर गया फिर यहाँ पर उसने एक लेवल बनाया 390 रुपये का, अगर है ना कंपनी ने अगर देखा जाए तो है ना यहाँ पर इसने एक लेवल बना दिया था कि 390 रुपये तक के आसपास में इसने हाई को टच किया है कंटिन्यूसली। मार्केट है ना यहाँ से अगर देखा जाए तो देखो कि ना एक अच्छा सा लेवल में ना मार्केट है ना आया है, कोई ऐसा फटक से बूम सेक्टर में नहीं आया कि कहीं पर हो जाए। तो अभी ना अभी मुझे क्या यहाँ पर है मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, तो अभी कंपनी ने ना क्या क्या किया है कि छोटे से ना ये शेयर्स देखो कि छोटे छोटे ना ये ना अभी ना जो लोअर लो बन रहा है यानी कि मार्केट ने फिर से ना ऊपर मूवमेंट में वापस इसने खसकने के लिए प्लान कर लिया है। तो अगर मैं अगर ऐसा सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसी कोई चीज मिले जहाँ पे मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा सा एकदम बेनिफिट हो जाए, कहाँ पे अगर ऐसा कुछ मिले तो मैं अगर है ना अगर आप लोगों के लिए अगर प्लान करूँ तो मैं ये प्लान करता हूँ कि मुझे 340 रुपीज का लंबा रिकॉर्ड बनाते हम लोग कि हमको है ना जो ये 340 का जो टारगेट है वो 340 का टारगेट मेरा ये मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया। हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस के लिए बात कर रहे थे कि हम लोग है ना स्टॉप लॉस है ना मेरे मतलब है ना मेरा पहला स्टॉप लॉस जो है वो 340 रुपीज का होगा। ओके, ये मेरा 340 का पहला स्टॉप लॉस हो जाएगा जो लोग मतलब बहुत अच्छे से पावरफुल वाले पर्सन है ना। वही अगर इसके साथ अगर मैं कोई अपना दूसरा अगर स्टॉप लॉस अगर मैं लेना चाहूँ तो अगर मैं स्टॉप लॉस नंबर अगर 2 लिखूँ तो मेरे पास उसके लिए लेवल होना चाहिए मेरे पास 300 का। ओके, ये काफी बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है कि ना ये बहुत अच्छा है कि ना आपके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। दो हमारे पास स्टॉप लॉस हो गए। अभी हमारे पास सबसे पहला अगर मेरा कोई टारगेट होगा ओके जिस हिसाब से मतलब है ना कैंडल चली तो उस हिसाब से मैं अपना सबसे पहला जो टारगेट मैं अपना लेके चलूंगा ये जो टारगेट है ओके क्या टारगेट होगा मेरा मेरा सबसे पहले तो मेरा एकदम छोटा सा टारगेट कितना मेरा 365 रुपीज का टारगेट मेरा बहुत ही ये छोटा टारगेट है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ अपना ये 365 का टारगेट है ये मेरा इना फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ओके, मेरा कम से कम एटलीस्ट मेरा 365 टच हो जाए। अभी फिलहाल कितना चल रहा है 355 मतलब कितना रुपया तुरंत 10 रुपये का मतलब मेरा पहला टारगेट। ओके, और उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए मेरा ऑब्वियसली मेरा सेकंड टारगेट होना चाहिए 390 रुपीज का। ओके, अगर मेरे पास ये दो अगर मेरे टारगेट अचीव हो गए तो मतलब मेरे से तो टेंशन ही खत्म हो गई। ओके राइट, ये अपने लिए बहुत अच्छा सा है ना बेनिफिट वाला पॉइंट है। इसके बीच में मुझे कितना परसेंट का बेनिफिट हो सकता है ऑब्वियसली मैं हर बार ज्यादा नहीं हम लोग है ना छोटे छोटे परसेंटेज हमारे जो निकलेंगे कि हमारे 10% से लेकर ना हम लोग है ना हर बार की तरह 15% तो आराम से अपना निकल ही जाएगा। 10% तो हमें अच्छे से दिख ही रहेगी कि अभी फिलहाल जो 355 के हिसाब से अगर भाव चल रहा है 399 तक आ जाएगा तो ऑब्वियसली कि हमें ना उतना परसेंट तो गेन हो ही जाना करके। तो हमारे पास ये दो टारगेट है और दो स्टॉप लॉस भी हमने ले लिए
यानी कि मिश्रा धातु के अंदर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉक का ना करेक्शंस होते रहता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट डेफिनेटली शेयर्स के अंदर अच्छा बेनिफिट हो सकता है। नाउ अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई ना सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद बात कर लीजिए कि ये शेयर्स में कैसा है कैसे नहीं। जस्ट मैंने मेरी अपने व्यू आपके सामने रखे। नाउ अगर ना आप इस चैनल पे नए आए हो तो फिर ना प्लीज मैं आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप इस चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड छोटा सा एक और बात की है ना, हाँ लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। और अगर है ना आपको है ना कुछ अगर अपने शेयर्स में अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है, कोई आप चाहते हो या फिर कोई आपकी कोई व्यू है, तो फिर डेफिनेटली आप है ना यहाँ पर है ना कमेंट कर सकते हो। और मैंने क्या किया है कि ना डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ना व्हाट्सएप नंबर भी देकर रखा है, तो अगर आपको चाहते हो कि किसी ना शेयर्स पर अगर कोई ऐसी कोई कुछ बात करनी है या फिर किसी शेयर्स के रिगार्डिंग आपको ना मतलब कुछ चाहिए, तो आप वो भी हम यहाँ पर कर सकते हो। और किसी शेयर के ऊपर आप पर्सनली चाहते हो कि उसके ऊपर भी कोई वीडियो बननी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ना उसके ऊपर भी मैं वीडियो भी बना दूंगा, और उसके ऊपर भी हम लोग कुछ भी एक जो भी अच्छी स्टडी होगी हम है ना वो पूरा स्टडी करके उसके ऊपर कर लेंगे। और एक है ना फ्री वाली टिप दूं क्या सबसे, तो आपको बहुत पसंद आएगा। फ्री वाली टिप क्या है मेरी, ये ना फ्री टिप ये है कि अगर मान लो कि आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है या निगेटिव, आप चाहते हो कि वो छोटा सा रिव्यू हो जाए, तो रिव्यू करने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ना आपका पोर्टफोलियो पे एक ना फ्री रिव्यू करके दे दूंगा, कुछ है ना रिकमेंडेशन आपके साथ ना शेयर करूंगा जो डेफिनेटली आपको बहुत है ना हेल्पफुल होगी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो फिर है ना आपको डेफिनेटली सारी चीजें बहुत अच्छे से पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं हर बार नए 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 शेयर्स ढूंढ के लेते लेकर आते रहता हूँ, जहाँ पर डेफिनेटली हर बार ना 1 महीना 1.5 महीने के अंदर 10 से 15% भाई मेरा प्रॉफिट बन जाए तो बहुत है। पूरे साल के अंदर अगर इतना बड़ा प्रॉफिट की जगह पे अगर हमें इतना मिलता रहे तो बहुत। और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मेरे पास भाई फटाफट आ जाए, तो प्लीज है ना फटाफट मैं आपसे भी ना यही है मेरी एक है ना यही दुआ है कि ऑब्वियसली प्लीज ना एक सब्सक्राइब की मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को बस सब्सक्राइब है ना कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो हर बार आप तक पहले पहुंचे। और ना प्लीज लाइक एंड फटाफट और शेयर वगैरह, और घंटी वाले का आइकॉन है वो तो दबाना भूलना ही मत यार, क्योंकि यार फिर मेरी कोई नई वीडियो आ जाए और आपसे कोई मिस ना हो जाए करके। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और सारी चीजें सब कुछ नए ग्रोथ के।